मैं नील बट्टे फिनिश कर रही थी और लास्ट डे शूट था और हम वापस आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, आगरा से दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे। तो क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली 2 महीने के लिए शूट कर रहे हो और उसके बाद दिमाग चलता नहीं है, बट फिर भी एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक एनी वन ऑफ अस जाके बुक स्टोर में देख लेते कुछ मिल रहा है, कुछ है क्या। तो मैंने ऐसे ही 2-3 बुक्स उठाए और उसमें से ये एक बुक था, इट वॉज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव। फ्रेंच बुक है, पता नहीं कहाँ से आ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, निकाला मैंने और मैं 3 बुक्स में से, नींद नहीं आ रही थी फ्लाइट में तो पढ़ना चालू किया मैंने और पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो बहुत अच्छा है। एक पिक्चर ख़त्म हो गई है, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ तो बात है। घर पे आई मैं, इंस्टेड ऑफ लाइक रिजॉइसिंग दैट मैंने शूट ख़त्म किया, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। और अगले दिन हम हॉलीडे में जा रहे थे तो नितेश ने मुझे पूछा कि तुम ऐसे ये क्या पढ़ रही हो जो इतना मतलब तुमने सब छोड़ दिया है। तो आई सेड सी यार दिस बुक इज़ वेरी नाइस, व्हाट डू यू थिंक, यू ऑल्सो रीड इट। एंड सो ठीक है पढ़ता हूँ, क्योंकि हम वेकेशन में थे, ही ऑल्सो रेड इट, इट वॉज वेरी क्विक रीड, 2 दिन में आई थिंक ख़त्म कर दिया। एंड ही लुक्ड एट मी एंड टोल्ड मी एक लाइन अच्छा है इसमें, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बननी चाहिए। तो एक लाइन से हमने, बिकॉज फ्रेंच बुक है ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा हमको, पर एक जो चीज़ उसमें था वो बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से फिर हमने पूरे कैरेक्टर्स और पूरी अपनी स्टोरी बनाई। फिर